हेलो स्टूडेंट्स, होमवर्क हेल्प में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। जी हाँ, हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए हिंदी का महत्व सभी को समझाने के लिए 14 सितंबर 1953 से हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने के लिए हमारे सब्सक्राइबर और हमारे मित्र सरिता बंसल ने आप सभी लोगों के लिए हिंदी दिवस पर एक कविता लिखकर दी है, जिसका शीर्षक है हिंदी है हम। आइए शुरू करते हैं। भारत की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हमारी सभ्यता और संस्कृति है हिंदी, हम सब जन की वंदनीय है हिंदी, माँ का प्यार है हिंदी, पापा की डांट है हिंदी, बड़ों की जान है हिंदी, रिश्तों की पहचान है हिंदी, घर घर में बोली जाती है हिंदी, भारत की आन बान शान है हिंदी, एक अपनापन है हिंदी में, एक प्यारी सी मिठास हिंदी में, जिसे मैंने बचपन से है बोला, जिसमें ना छोटे बड़े अक्षरों का है झोला, जिससे जुड़ी है मेरी हर आशा, वह है मेरी हिंदी भाषा, मेरी प्यारी भाषा हिंदी भाषा। हिंदी है हम, वंदे मातरम। इस कविता का आपको थोड़ा अर्थ भी समझा देते हैं। इस कविता में यह बताया जा रहा है कि भारत की शान हिंदी है, हमारे देश की पहचान हिंदी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति सब हिंदी से जुड़ी हुई है, हम सब जन की वंदनीय यानी कि हम सब उसकी वंदना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी में प्रार्थना करते हैं, उसी भाषा से। हमारी माँ जब हमें प्यार करती है तो हिंदी भाषा में ही प्यार झलकता है, हमारे पापा की डांट भी हिंदी में ही होती है, बड़ों की जान, बड़े बूढ़े सब हिंदी बोलने में जितना सहज महसूस करते हैं वे किसी और भाषा में नहीं करते, रिश्तों की पहचान है हिंदी, भारत के हर घर में बोली जाती है वो हिंदी, थोड़ा थोड़ा रूप बदल जाता है, भारत की शान है हिंदी, हिंदी में एक अपनापन है। आप चाहे कोई और किसी दूसरे देश की भाषा चाहे कितनी ही सीख लें, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, लेकिन उनमें वो अपनापन नहीं आता जो अपनी देश की भाषा में आता है। इसलिए अपने देश की भाषा में एक मिठास झलकती है, एक अपनापन झलकता है, क्योंकि इस भाषा को हमने बचपन से बोला है। और जैसा कि यहाँ कवित्री जी कह रही है, इसमें ना छोटे बड़े अक्षरों का है झोला। अंग्रेजी भाषा में छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी होती है, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में एक समान ही हमारे क ख ग अ आ इ ई चलते हैं। जिसमें ना छोटे बड़े अक्षरों का है झोला, जिससे जुड़ी है मेरी हर आशा, वह है मेरी हिंदी भाषा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए ताकि इसी तरीके की और अच्छी अच्छी कविताएं आपको मिलती रहें, प्रेरणादायक कविताएं। इसी चैनल पर हम आपके लिए छोटे बड़े हर तरीके के निबंध लेकर आते रहते हैं।